नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी, कब तक आएगी, सबसे पहले कहां आएगी, कैसे मिलेगी, कीमत क्या होगी और दुनिया में हर इंसान तक ये कैसे पहुंचेगी, ये जो सवाल हैं आज दुनिया के हर इंसान के जहन में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं। दरअसल दुनिया भर की 20 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां और सरकारें दिन रात कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में लगी हैं। वे वैक्सीन को लेकर रूल बुक लिख रही हैं, रोज़ इसे अपडेट भी कर रही हैं, यानी कितनी प्रगति हुई। लेकिन अभी तक महज 10% वैक्सीन ट्रायल सफल हुए हैं। वहीं एक अनुमान के अनुसार यदि वैक्सीन बन जाती है तो दुनिया भर में इसकी सप्लाई के लिए करीबन 8,000 जंबो जेट्स की जरूरत होगी। अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने अपने आर्टिकल में गलवान को लेकर चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। इस आर्टिकल के अनुसार 15 जून को गलवान में हुई झड़प में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए। दुर्भाग्य से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही भारतीय क्षेत्र में आक्रामक मूव के आर्किटेक्ट थे, लेकिन उनकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA इसमें फ्लॉप हो गई। PLA से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा रही थी। वहीं आर्टिकल में कहा गया है कि भारतीय सीमा पर चीन की सेना की विफलता के परिणाम सामने आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार देर रात 11 बजे एम्स में भर्ती किया गया। एम्स ने रविवार को बयान जारी किया कि शाह को संसद के मानसून सत्र से पहले पूरे मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। एक दो दिन तक यह चेकअप चलेगा। 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर से उभरने के दौरान जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था तभी यह सलाह दी गई थी। रिलायंस ग्रुप इन दिनों रिटेल बिजनेस के चलते चर्चा में है। हाल ही में रिलायंस ने कर्ज तले दबे किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर किया। अब रिलायंस का यह प्लान है कि रिटेल बिजनेस को भारत में मजबूत करने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचा दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि रोज योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन किया जाए, सुबह या शाम वॉक भी जरूर किया जाए, उतनी ही स्पीड से चला जाए जितनी आपको जरूरी लगे। फिलहाल देश में कुल संक्रमितों की संख्या 47,58,581 हो गई है। वहीं गत दिवस 94,406 मरीज नए आए थे। राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह रविवार को स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। 74 वर्षीय प्रसाद पिछले 4 दिनों से सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्हें ICU में भर्ती करवाया गया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को वैशाली जिले के पैतृक गांव बानापुर पहेमी में किया जाएगा। देश भर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट 2020 की परीक्षा रविवार शाम 5 बजे तक सफलतापूर्वक पूरी हो गई। 3 घंटे तक हुई इस परीक्षा का 155 शहरों में 3,842 केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजन किया गया। इस साल परीक्षा में करीबन 15,00,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 2 बार स्थगित होने के बाद यह परीक्षा लगातार विरोध और प्रदर्शन के बीच आखिरकार रविवार को संपन्न हो गई। कोरोना के दौर में संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसका असर सत्र पर भी पड़ेगा। कुछ सांसद अपनी उम्र और स्वास्थ्य की वजह से सत्र में शामिल नहीं होंगे। इनमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार वे राहुल गांधी के साथ हेल्थ चेकअप के लिए विदेश रवाना हो गई हैं। वे 2 हफ्ते बाद भारत लौटेंगी। भारत चीन सीमा पर हालात नाजुक हो गए हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके पांगुर गैप में भारी संख्या में सैनिक, टैंक और तोपों को तैनात कर दिया है। यह इलाका भारतीय सेना की राइफल रेंज से काफी करीब है। इसके बाद भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। वहीं दोनों देशों के बीच लगातार 6वें दिन मिलिट्री लेवल की बातचीत बेनतीजा रही।
अब खबरें हरियाणा से। फरीदाबाद में झाड़ फूंक के चक्कर में एक मां ने अपनी 8 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने बच्ची के शव को पलवल के गदपुरी एरिया में बगोला गांव में फेंक दिया। बच्ची के गायब होने पर उसके पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस को उसकी मां पर शक हुआ। उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो मामले का खुलासा हुआ। महिला आखिरी बार बच्ची को लेकर सीसीटीवी फुटेज में जाती हुई नजर भी आई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर आखिरकार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चुप्पी तोड़ ही दी। उन्होंने कहा कि पिपली में हुई घटना निंदनीय है, इस घटना की जांच भी होनी चाहिए। कृषि अध्यादेश के बारे में बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोई अध्यादेश जारी नहीं किया, अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। इस अध्यादेश के बाद MSP पर खरीद ऐसे ही जारी रहेगी जैसे अब हो रही है। भारतीय किसान यूनियन की रैली में हुए लाठीचार्ज के बाद भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशन पर गठित 3 सांसदों की कमेटी रविवार को पंचकुला में किसानों से मुलाकात करने पहुंची। कमेटी का कहना है कि वे किसानों के सुझाव पर केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसे सरकार की साजिश बताया और कहा कि सरकार आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।